दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए कोविड-19 कोरोना के चलते अर्जेंट भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जहाँ दोस्तों रेलवे में सीधी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। बिना एग्जाम के भर्ती है, सीधी भर्ती है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली हुई है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं रेलवे भर्ती 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर पोस्ट की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स और पारामेडिकल स्टाफ की है। कोविड-19 के चलते यहाँ पर अर्जेंट भर्ती का नोटिफिकेशन है। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। पोस्ट वाइज हम आपको नोटिफिकेशन से दिखाएंगे। हाउसकीपिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए 18,000 रुपये सैलरी प्रति माह के लिए है। स्टाफ नर्स के लिए 44,900 है। कॉन्टैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर GDMO के लिए यहाँ पर 75,000 प्रति माह के लिए है। योग्यता की बात की जाए तो हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए GNM और BSc नर्सिंग से अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर GDMO के लिए यहाँ पर MBBS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 33 वर्ष है। स्टाफ नर्स के लिए 20 से 40 वर्ष है और GDMO पोस्ट के लिए मैक्सिमम 53 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी इंटरव्यू से होगा, मोबाइल या टेलीफोन पर, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। चेन्नई तमिलनाडु जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ICF.IndianRailways.gov.in या फिर PBICF.in पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 13 मई 2021 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसके नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कोविड-19 के चलते यहाँ पर अर्जेंट भर्ती है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पोस्ट वाइज वैकेंसीज दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वैकेंसीज है, 75,000 रुपये सैलरी है। स्टाफ नर्स के लिए 13 वैकेंसीज है, 44,900 सैलरी है। जबकि हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए 21 वैकेंसीज है, 18,000 सैलरी है। टोटल 39 वैकेंसीज निकली है। बात अगर आयु सीमा और क्वालिफिकेशन की जाए तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर GDMO के लिए MBBS अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 53 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी सभी पोस्ट के लिए। स्टाफ नर्स के लिए GNM या BSc नर्सिंग से अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 40 वर्ष आयु सीमा है। हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। बात अगर अप्लाई मोड की जाए तो इस लिंक पर क्लिक करके भी आप यहां से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, नहीं तो हमारे पोर्टल पर भी लिंक दिया गया है। सिलेक्शन की बात की जाए तो इंटरव्यू से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। मोबाइल या टेलीफोन पर यहां पर आपका इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। टर्म एंड कंडीशंस आप यहां से पूरी फॉलो कर सकते हो। साथ साथ लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 13 मई 2021 लास्ट डेट है। दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको ये पूरी PDF पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पोर्टल पर ही यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का इसका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लिक है टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिट। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स भरनी होगी जो जो इसमें मांगी गई है, जैसे कि नेम, एड्रेस और साथ साथ यहाँ पर आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। कंप्लीट डिटेल्स आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन का लिंक भी दिया गया। नोटिफिकेशन की PDF भी आप यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहां पर दिया गया है और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं ऑनलाइन करने के लिए। लास्ट डेट 13 मई है। जैसे स्टेप फर्स्ट पे आप क्लिक है टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिट के लिंक पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, पोस्ट आपको यहां से सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद में कैंडिडेट नेम, फादर या हस्बैंड नेम, एड्रेस डालना होगा, डेट ऑफ
बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जेंडर मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी होगी, वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद में इस बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड टू रिसीव ओटीपी के टैब पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों इसे आप सिंपली इस भर्ती के लिए यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।